हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मेड ग्लो विद पोम्पा में मैं पोम्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इस चैनल में। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बेस्ट बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम कैसे कर सकते हैं हम लोग घर पे। जब भी हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और डैमेज होने के वजह से एक्सेसिव हेयर लॉस होती है, हमारे हेयर की जो शाइन है वो भी चली जाती है, तब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम लोग हेयर को कैसे मैनेज करें, कैसे ठीक करें, हेयर फॉल जो होती है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो हम लोग पार्लर जा सकते हैं, पार्लर की कोई भी ट्रीटमेंट को मैं बुरा नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम लोग होम रेमेडी करते हैं तो होम रेमेडी से बेस्ट रिजल्ट किसी से नहीं आती है और होम रेमेडी से हमारे हेयर को कोई नुकसान नहीं होती है और होम रेमेडी बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होती है। तो अब बताते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है। जब हमारे हेयर की नेचुरल प्रोटीन खत्म हो जाती है तो हमारे हेयर बहुत ज़्यादा डल दिखते हैं, डैमेज हो जाती है, हमारे हेयर लॉस होती है बहुत ज़्यादा, तब भी हमें चाहिए हमारी हेयर की जो प्रोटीन है उसको वापस दिलाने की। तो इसीलिए हमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट या केराटिन ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं रेमेडी के तरफ। इसके लिए हमें जो चाहिए वो है बनाना। तो बनाना जो फ्रेश है वो भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये जो बनाना होते हैं ना कि घर में रह जाते हैं दो एक दिन और उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक जैसा आ जाता है उसके छिलके के ऊपर, तो ये बनाना लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। तो आप लोग ऐसे बनाना ले सकते हैं, नहीं तो जो फ्रेश आती है वो भी आप लोग ले सकते हैं। बनानास में होती है पोटाशियम जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बनानास से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उसे न्यूट्रिशन मिलती है और हमारे हेयर रिग्रोथ करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है ये बनाना। तो मेरे हेयर थोड़े लॉन्ग है इसलिए मैंने 1.5 बनाना ले लिया है। अगर आप लोगों के बाल मीडियम लेंथ की है तो आप लोग एक बनाना लीजिएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमें ऐड करनी है वो है कार्ड, और दही में होती है फैटी एसिड, उसके साथ साथ होती है कैल्शियम, और दही हमारे हेयर के लिए डीप कंडीशनिंग की काम करता है। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून कार्ड ऐड कर लिया है। आप लोग के बाल अगर थोड़े छोटे हैं तो आप लोग यहाँ पे 3 टेबलस्पून का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा है मेरे बाल थोड़े लंबे हैं इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून भर के कार्ड यहाँ पे ऐड कर लिया है। बस अब इसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है ताकि ये बहुत अच्छा एक फाइन पेस्ट बन के रेडी हो जाए। अगर आप लोग नॉर्मली कार्ड को अपने हेयर में अप्लाई करते हैं या बनाना मास्क आप लोग हेयर में अप्लाई करते हैं तो आपके जो हेयर की फ्रीजीनेस होती है या जो ड्राई दिखते हैं आपके हेयर, एक्सेसिव जो हेयर फॉल होती है उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, डैमेज हो जाती है, तब भी हमारे स्प्लिट एंड होती है, हमारे हेयर बहुत ज़्यादा फॉल होने की चांसेस होती है। और इसीलिए हफ्ते में एक बार कार्ड का पैक या बनाना का पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे हेयर के लिए, तो मेंटेन रहती है हमारे हेयर। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे मिलाने वाले हैं वो हनी। हनी भी हमारे हेयर के लिए अमेजिंग रिजल्ट देती है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करते हैं और उसके साथ साथ प्रोमोट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ को। तो हमें यहाँ पे 1 टेबलस्पून हनी लेनी है। अगर आप लोग टीस्पून का यूज़ करते हैं तो 2 टीस्पून भर के यहाँ पे हनी ऐड करनी है। और इसके साथ हमें और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करनी है जो है एग वाइट। एग वाइट हमारे हेयर के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। रेगुलर की डार्ट पोल्यूशन या जो हमारी डैमेज होती है, हमारे हेयर की जो नेचुरल ऑयल खो जाती है हमारे हेयर से, वो नेचुरल ऑयल को फिर से वापस दिलाती है ये एग वाइट, और स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है ये एग वाइट। तो मैंने यहाँ पे एक एग ले लिया है और एग को एक फोक की मदद से एक छोटा सा होल कर लेना है ताकि इसके अंदर की जो एग वाइट है वो बहुत आसान तरीके से निकल के बाहर आ जाए। तो देखिए कैसे मैंने एक छोटा सा होल कर लिया है और अब देखिए कितना आसानी से ये एग वाइट बाहर आ रहा है। तो ऐसे ही हमें एग वाइट को इसके साथ मिला लेना है। और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं या नॉन वेज का यूज़ भी नहीं करते हैं, वेजिटेरियन हैं, उन लोगों के लिए इस जगह पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं चावल जो हम लोग खाने के लिए रेगुलर बनाते हैं घर में। तो उसी चावल के आप लोग 4 टेबलस्पून चावल आप लोगों को लेना है। और जब हम लोग बनाना और कार्ड को मिक्सी में पेस्ट कर रहे थे उसी टाइम चावल को भी देके आप लोगों को पेस्ट कर लेना है एक साथ में। कोई भी चावल इस जगह पे चलेगा जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं, उस चावल का ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे हम लोग ऑलिव ऑयल ले लेंगे 1 टेबलस्पून भर के।
ऑलिव ऑयल भी हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करते हैं, उसके साथ साथ हमारे हेयर को बहुत अच्छे से शाइनी करते हैं, हेयर की फ्रीज कंट्रोल करते हैं, बहुत ही ग्लॉसी इफेक्ट देता है। हम लोग जितना भी केराटिन स्पा करते हैं या बोटोक्स ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे हेयर की खोई हुई प्रोटीन को वापस लाने के लिए, हमारे हेयर को हेल्दी शाइनी बनाने के लिए, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए मार्केट में मिलने वाली कोई भी प्रोटीन पैक से बेहतर रिजल्ट देने वाली है ये प्रोटीन पैक। तो चलिए कैसे इसको अप्लाई करना है देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी होम रेमेडी या कुछ भी अप्लाई करते हैं हेयर में, तब हमें पहले जो करनी पड़ती है वो है हम लोग को हेयर को बहुत अच्छे से कोमिंग कर लेनी है, डिटेंगल करनी है, ताकि हमारे बाल उलझे नहीं जब भी हम लोग पैक का यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बालों को सुलझा लिया है और उसके बाद छोटे छोटे बालों की सेक्शन करके हाथों में थोड़ा सा पैक लेके बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, ताकि हर एक हेयर में ये पैक लग जाए। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वैसे आप लोगों को अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन के दौरान आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग पैक का अप्लाई करेंगे तो कुछ बूंदे आपके कपड़े के ऊपर गिर सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस पैक को नहाने से पहले अप्लाई कीजिए, ताकि आप लोगों के कपड़े अगर थोड़ी बहुत मैसी भी हो जाए, ख़राब भी हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके जो नीचे का फर्श होता है वो भी थोड़ा ख़राब हो सकता है, कुछ बूंदे गिर सकते हैं, तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाद में थोड़ा सा साफ करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये जो मास्क है इसको प्रॉपरली आपको अप्लाई करनी है, अंदर के बाल भी रह ना जाए उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एकदम रूट से आपको लगाना है, एकदम लेंथ तक, नीचे तक आपको पूरे हेयर में इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करनी है, ताकि हर एक हेयर में बहुत अच्छे से पैक का अप्लाई हो जाए। पूरे हेयर में पैक अप्लाई करने के बाद 45 मिनट से 1 आवर तक आप लोग इसको रख दीजिएगा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप लोग इसको खुला छोड़ के रख सकते हैं, मेरे बाल लंबे हैं इसलिए मैं इसको नॉट बना के रख देती हूँ। तो चलिए, 45 मिनट के बाद इसको बहुत अच्छे से शैम्पू करना है हम लोगों को। आफ्टर 1 आवर आप लोग कोई भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कोई माइल्ड शैम्पू नहीं है तो आप लोग रेगुलर जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसी को ही आप लोग अप्लाई कीजिए शैम्पू करने के टाइम। तो शैम्पू करने के बाद आप लोग देखिएगा, आपके बाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट फील हो रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेजेबल हो गए हैं। आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट आपके बाल हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपके बालों को ये न्यूट्रिशन देगा, आपके बालों को बहुत अच्छे से ये हेल्दी रखेगा। आज की इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट मिला है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा। गारंटी के साथ कहती हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।